रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। आप देख सकते हैं टीटी नगर में बच्चे हैं, तमाम रन फॉर यूनिटी के माध्यम से दौड़ लगा रहे हैं। भोपाल के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आह्वान किया था देश भर में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि 31 अक्टूबर को है, लेकिन इससे पहले ही आप सभी को रन फॉर यूनिटी का आयोजन करना, क्योंकि उस दिन दीपावली है। दीपावली से पहले आज धनतेरस का पर्व है, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। और आप देख सकते हैं रन फॉर यूनिटी का ये दौड़ स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर तमाम युवा हैं, बच्चे हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं और यूनिटी फॉर शुरू हो चुकी है। और आप ये टीटी नगर स्टेडियम से लेकर भोपाल के न्यू मार्केट और लाल परेड ग्राउंड तक ये दौड़ रहेगी। और आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर तमाम लोग इस रन फॉर यूनिटी का जो शुभारंभ हुआ उसमें दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे तमाम ये बच्चे हैं टीटी नगर स्टेडियम से निकल चुके हैं, दौड़ लगा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ से शुरू हो चुकी है ये दौड़। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ये युवा हैं, महिलाएं हैं, इसमें तमाम सब दिखाई दे रहा है। ये रन फॉर यूनिटी की शुभारंभ हो चुका है क्योंकि प्रदेश भर में आज ये आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया रहा है। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का विराट व्यक्तित्व, जिनने आज़ादी के साथ ही इस देश को न केवल एकता अखंडता में पिरोया है, बल्कि 1925-30 में किसानों के लिए, किसानों के हित में संघर्ष करके सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसी अवसर पर उनके उस योगदान के कारण से महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो सरदार शब्द की उपाधि जो दी थी, यह महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। वर्तमान का अमूल का पूरा प्रोडक्ट दुनिया में जो जाना जाता है, ये पूरे सहकारिता आंदोलन के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, जिनने आज़ादी के पहले भी इस देश के किसानों की बेहतरी के लिए काम किया और आज़ादी के तुरंत बाद 500 से ज़्यादा रियासतें, अन्यथा ये देश में एक अलग स्थिति बन जाती। जब एक पाकिस्तान अलग हुआ तो बहुत कुछ संभव था, पता नहीं क्या होता, लेकिन यशस्वी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूरदर्शिता के साथ सभी रियासतों को एकजुट करते हुए वर्तमान का ये देश का जो नक्शा बनाया है, जिसके आधार पर देश दुनिया का सबसे एक अलग प्रकार का देश, सर्वसाधन संपन्न और 142 करोड़ से बड़ी आबादी का जो देश आज एकजुटता के साथ खड़ा है, इसकी नींव डालने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। मेरी अपनी ओर से आज धन्वंतरी जयंती की भी बधाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन, और उम्मीद कर रहे हैं कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सभी प्रकार की पेथियों के अलग अलग मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज सभी की सौगातें मिल रही है। मैं स्वयं आज मंदसौर नीमच जा रहा हूँ, यशस्वी महामहिम सिवनी से जुड़ने वाले हैं। हमारे अलग अलग प्रभारी मंत्री और जनमान्य जनप्रतिनिधिगण अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। आज इस रन फॉर यूनिटी में हमारे यशस्वी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी मेरे साथ है, हमारे खेल एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी मेरे साथ है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज के इस आयोजन की बधाई भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर के देश की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सही कि हमारी सरकार ने शपथ लेने के साथ ही जनता की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जो प्रदेश भी जानता है, देश भी जानता है। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का मामला हो, महंगाई भत्ता का, तो हम सरकार उनके साथ है, उनकी व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों में हम उनके साथ हैं, लेकिन अपनी दक्षता के मामले में, ड्यूटी के मामले में कोई भी लापरवाही होगी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल ही मैंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की है, जो अधिकारी को दंडित करना था दंडित किया, जिनको डांट लगाना उनको डांट लगाई, और कुल मिलाकर के हम और वो सब मिल करके इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें, ये अपेक्षा भी मैंने की है। और हम सब सच्चे अर्थों में दीपावली तभी मनाएंगे जब हर घर में रामराज्य की जो कामना की गई थी अतीत के काल से, उस रामराज्य को नीचे तक उतारना अर्थात सुशासन की स्थापना करना है। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से दीपावली के पावन पर्व की भी बधाई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.